हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, अभी भी आप लोगों के पास एक दिन का समय बचा हुआ है और अभी भी आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो इस वीडियो के बाद आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, मैं आज आप लोगों को केवल जो पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं, और इतना आपको एक दिन इनफ है पढ़ने के लिए। ठीक है, एक दिन आप लोगों के लिए पर्याप्त है, ये सब टॉपिक्स आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो केवल पास होने के लिए इतना ही पढ़ना होगा, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, वीर रस का स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए, उत्साह होता है। ठीक है, बस इतना आपको जानना है कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और वीर रस के तीन से चार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल क्या एग्जाम्पल देख लेने हैं। ठीक है, बस उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। उसी प्रकार हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। और हास्य रस का भी आपको उदाहरण देख लेना है, अगर नहीं भी देखते हैं तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा किसमें उत्साह की भावना आ रही है, किसमें किसको पढ़ करके हंसी उत्पन्न हो जाती है। और इसी प्रकार करुण रस का भी आपको पता होना चाहिए, करुण रस का जो क्या होता है स्थायी भाव शोक होता है, और ऐसा कोई उदाहरण आ जाता है जिसमें दुखी कोई हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर करुण रस हो जाएगा। तो अगर आप नहीं भी देखते हैं तो वहाँ पर आप पहचान जाएंगे, क्योंकि ये सब MCQ पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर सभी लेखकों और कवियों की रचनाएँ, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी कवि लेखक है सबका आपको रचना याद करना है, आपकी किताब में जितने कवि और लेखक दिए गए हैं बस आप लोगों को उनकी रचनाएं पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ही कवि में सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, तो इन सभी लोगों का किताब में जितना भी रचना दिया गया है आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और किस विधा की रचना है ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा जो पेपर में दिए गए थे, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो थे यहाँ से भी पूछ लिया गया था, मतलब जो किताब में कवि और लेखक दिए गए हैं उनकी ही रचनाएं डायरेक्ट पूछ लिया था। ठीक है, तो 2 से 3 नंबर आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, बस केवल आपको जो आपकी किताब में कवि हो गए लेखक हो गए केवल उनकी रचना आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 से 3 नंबर आपका हो जाएगा, तो यहाँ से 3 पॉइंट मिला करके आपके 5 नंबर क्लियर हो गए। फिर अगला है कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची तथा धातु रूप तथा संधि विच्छेद, ये आपको पढ़ लेना है, और अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप देखकर ही बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के जो आगे प्रयोग किया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय का मतलब शब्द की जो लास्ट में प्रयुक्त होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया है, पहला क्वेश्चन है कि उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, मतलब जिस शब्द के आगे उप न लगा हो वो हमें बताना है। तो उपदेश में तो उप लगा है, उपनाम में भी लगा है, उपवन में भी लगा है, लेकिन ऊपर में बड़ा उ लगा है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, आप लोग बिना पढ़े ही इसका उत्तर दे सकते हैं। सेम ऐसे ही प्रत्यय भी पूछेगा, प्रत्यय में लास्ट में बताना होता है कि क्या लगा है, जैसे दैनिक, तो निक यानी इक लगा है, तो इक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही समास पूछा है, ठीक है, गंगा का पर्याय वाची पूछा है, आपको आता ही होगा, इत्यादि का संधि विच्छेद पूछा है। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा सा भी अगर देख लेते हैं एक बार कोई एक दो वीडियो की मोस्ट इंपोर्टेंट संधि विच्छेद, पर्याय वाची शब्द, तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आपके यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। धातु रूप में क्या करना है, केवल आपका पट धातु का 5 लगार का रूप याद कर लेना है, बाकी उसी के आधार पर सारे धातु रूप बनते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है हस्तु धातु का वचन एवं रूप, तो हस्तु यानी कि पठतु, अब पठतु क्या होता है, तो पठतु लोट लकार का एक वचन प्रथम पुरुष होता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो केवल आपको एक ही धातु रूप याद करना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे याद करने होंगे आपको। ठीक है, तो बहुत आसान चीज है, आप इसको एक दिन के अंदर इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, फिर अगला आता है गद्यांश, जो गद्यांश 6 नंबर का पूछा जाता है आप लोगों से, कि पहला लेखक का मतलब संदर्भ लिखिए या लेखक और पाठ का नाम बताइए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, और तीसरा क्या होता है, तो आपको उसी गद्यांश से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने किताब ही एक बार भी ना खोला हो, आपने किताब तो पढ़ा होगा, चैप्टर को पढ़ा होगा, भले ही आप कुछ याद न किए हों, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि किस चैप्टर से ये गद्यांश आया हुआ है। अब देखिए, विश्वास पात्र मित्र मतलब मित्रता,
तो कुछ ऐसे वर्ड उपयोग हो जाते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यह किस चैप्टर का गद्यांश है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यह जो गद्यांश है मित्रता चैप्टर का है, जिसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ से दो नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा, संदर्भ लिख सकते हैं, ठीक है। हर कक्षा में ही आपको संदर्भ लिखते हुए आते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, तो देखिए अगर रेखांकित अंश की व्याख्या करने नहीं आता है तो बस आपको लिख देना है कि लेखक कहते हैं अब विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। इसमें कुछ शब्द जो हैं इनका आपको पर्यायवाची लिख देना है, ठीक है, मतलब उस शब्द से रिलेटेड कोई शब्द लिख देना है, जैसे विश्वास पात्र मित्र से, तो विश्वास पात्र का मतलब जो विश्वास योग्य मित्र हो, ठीक है, विश्वास योग्य मित्र से, तो अपने से बड़ी रक्षा रहती है, मतलब अत्यधिक रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, मतलब बहुत मूल्यवान चीज मिल गया, ठीक है। तो बस उससे रिलेटेड शब्द लिख करके आपको जितना गद्यांश दिया है उसको लिख देना है, बाकी ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। फिर तीसरा, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों किया, तो इसी गद्यांश में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो 6 नंबर यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो गद्यांश से भी आपका 6 नंबर हो जाएगा, तो ऐसे ही इतने ही केवल चीज मिला करके आपके 15 से 20 नंबर हो जाएंगे। फिर आता है संस्कृत गद्यांश, इसमें भी आपको क्या करना होता है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने अंक का, तो 5 अंक का पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है 5 अंक का पूछा जाता है। 2 अंक जो होता है इसका गद्यांश संदर्भ लिखने का, और 3 अंक जो होता है उसका हिंदी में अनुवाद करने का। तो बस आपको क्या करना है, 2 चैप्टर का पढ़ लेना है, कौन कौन सा, एक वाराणसी का और एक भारतीय संस्कृति का। यहाँ से एक आपका गद्यांश फंस जाएगा और आप उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। अब 2 तो पढ़ ही सकते हैं, 1 दिन बहुत है, ठीक है, अगर पास होना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार संस्कृत पद्यांश आता है, इसमें भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, तो इसमें आपको केवल 1 चैप्टर पढ़ लेना है, अन्योक्ति विलास, यहाँ से आपका पद्यांश फंस जाएगा। केवल 2 क्वेश्चन मिला करके 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, केवल यहाँ तक संस्कृत पद्यांश तक, ये जो मैंने ऊपर का बताया अगर इसको मिला देते हैं तो आपका 23 नंबर हो जाएगा, और पासिंग मार्क जो होता है वो 23 मार्क्स ही होता है, ठीक है, तो आराम से आप पास हो जाएंगे। खंड काव्य आता है, तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता हो उसका आप लोगों को सारांश और चरित्र चित्रण, ठीक है, बस तैयार कर लेना है, जो भी आपके जिले में खंड काव्य चलता हो उसका सारांश और चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ज्यादातर खंड काव्य में चरित्र चित्रण और सारांश ही पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर जय सुभाष में देख सकते हैं नायक का चरित्र चित्रण, ठीक है, मातृभूमि में नायक का चरित्र चित्रण, कथा वस्तु का मतलब सारांश ही होता है, ठीक है, ऐसे ही मतलब लगभग सारे में ही पूछा जाता है 1-2 को छोड़ करके। इसमें भी देखिए कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु, तुमुल खंड कथा वस्तु का मतलब वही सारांश, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण और तुमुल खंड काव्य का कथानक यानी सारांश। तो आपको सारांश और चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा और 3 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर आपको क्या करना है, लेखक का जीवन परिचय में 3 लोगों का जीवन परिचय याद कर लेना है, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, बस इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सेम कवि के जीवन परिचय में सूरदास का, तुलसीदास का, और अगर आपके पास समय बचेगा तो महादेवी वर्मा का याद कर लीजिएगा, बस इतना काफ़ी है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके 40 से 50 नंबर कहीं नहीं गए हैं, भले ही आप साल भर पढ़ाई ना किया हो, लेकिन 1 दिन बहुत होता है, ठीक है, 1 दिन पढ़कर आप आसानी से पास हो सकते हैं, 1 दिन में आप इतना क्लियर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं, बाकी थोड़ा बहुत जो है आपको पढ़ना है, तो 1 दिन है, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। तो बस वीडियो नहीं देखना है, अगर पास होना है तो अभी पढ़ लीजिए इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। मैंने आपको पेपर में भी दिखा दिया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज्यादा कठिन भी पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।